कच्छ और जो अपना गुजरात का मांडवी एरिया है वहां से जो क्रॉस करेगा। तो उसके बाद जो इसमें अभी तक की जो फोकस आईएमडी की तरफ से इशू हुई है उसमें नॉर्थ अपना जो गुजरात का एरिया और साउथ राजस्थान में 16 और 17 तरीके तक जो है वो इसको इफेक्ट कर सकता है। चंडीगढ़ में हमें भी कोई कोई एरिया जहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा किसी तारीख को या कुछ समय? अभी तो जो आने वाले जो दिन होंगे इसमें बारिश तो है, मतलब अपने पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो साउथ हरियाणा में पड़ सकता है। ये जो इसका इफेक्ट है 17, 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ये एज ए लो प्रेशर सिस्टम रहेगा तो इससे जो साउथ हरियाणा होगा इसमें तेज हवा चल सकती है, या तेज हैवी बारिश होने की भी जो प्रोबेबिलिटी 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो बन सकती है। दूसरा, फिर से गर्मी बढ़ी है। पहले मौसम सही था, बारिश हो रही थी, बीच बीच में बादल थे, फिर अचानक से गर्मी बढ़ी है, लगातार तीसरा दिन है गर्मी बढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, अभी जो पिछले दिनों से 2 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा सल्ट्री मौसम था, इसका जो मेन कारण था ये साइक्लोन ही था। साइक्लोन की वजह से जो जो अपने साउथ वेस्टर्ली विंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग विंड चल रही थी, मॉइस्चर कैरी कर रही थी, पूरे अपने एरिया का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था। पहले जैसे 40% ह्यूमिडिटी थी तो ये 60 से ऊपर जो ह्यूमिडिटी लेवल चला गया था, जिससे जो काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो गया। जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर होते हैं और जो ह्यूमिडिटी लेवल जो ज़्यादा रहता है 60 से ऊपर या 70% से ज़्यादा रहता है, तो ये ह्यूमन कम्फर्ट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।